नौकर कभी मुझे नजर नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता वो नौकर के मैं। साहब जी, साहब जी, क्या हुआ? साहब जी, हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। चोरी हो गई? पुलिस हर घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस ने कहा कि जिसके घर से जो जो कुछ चोरी हुआ ना, सब कुछ वापस दिलाएंगे। अच्छा, हाँ, तू एक काम कर। क्या? अब ये पुलिस आई ना, हाँ, तू बोलना हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है। ठीक है, मैं भी बोल दूंगा, मेरे पर्स में से 10 लाख रुपए निकाल के ले गए। आपके पर्स में से 10 लाख निकाल के ले गए? हमारे एरिया में जो बैंक है ना, उसमें टोटल 1500 रुपया पड़ा हुआ सिद्धू भाजी, इनके पर्स की हालत तो बिल्कुल प्याज की तरह है, खोलते ही आंसू आ जाते हैं। मेरा पर्स प्याज ज्यादा है, तेरे तो जेब भी नहीं है, कहीं समोसे खाओ ना चार यार दोस्त, ये तो झूठे मूठे भी नहीं बोल सकता कि लाओ पैसे मैं देता हूँ, तेरे तो वो भी नहीं है। अपना नहीं पता अपनी हालत कैसी है। सिद्धू भाजी, परसों फकीर आया, आके कहता भगवान के नाम पे कुछ दो। मैंने कहा मालिक घर पे नहीं है। कहता इसीलिए तो आया हूँ, वो घर पे होता है उल्टा मुझसे मांग लेता है। मेरा मुंह मत खुलवा दे, जब ना काम कर जाके पुलिस आती होगी, बड़े बड़े झूठ बोलना उनको कि हमारा ये तो काम करना। हाँ, घर का सारा सामान भी खेर दे। घर का सारा सामान बिखेर दूं? कौन सा सामान बिखेरूं? यहाँ बिखेरने के लिए कुछ नहीं है, बाल बिखेर लेते। बाल ये ठीक है, उनको बोलेंगे हमारी जुए चोरी हो गई। बकवास ना कर, जाके उनको, अब पुलिस आएगी। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हम लोग पकड़े जाएं। मैं पागल हूँ उनके सामने कोई गलत बात करूं? मुझे पता पुलिस बहुत मारती है। एक बार मुझे ना उन्होंने चोरी के शक में पकड़ लिया था, काना पुलिस वाला था यूं करके। 5 लोग इधर बैठे, मैं इधर बैठा हूं, मुझे मारता रहा। सिद्धू भाजी, मैंने उसको बड़ा कहा, मैंने कहा मुझे मार रहे, इनको क्यों नहीं मार रहे? कहता ये मेरे सामने नहीं आ रहा। जल्दी जा, पुलिस आएगी। बड़ी बड़ी चीजें बताना, बड़ी बड़ी चीजें चोरी हुई हैं। मैं उनको बोलूंगा हमारा जहाज चोरी हो गया। जहाज नहीं, तो छोटी चीज बता। मैं उनको बोलूंगा हमारी सुई चोरी हो गई। टिंग लगा ले, टिंग। अबे ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा छोटी नहीं, कोई बीच की चीज बता। फिर मैं उनको बोलूंगा हमारा खुसरा चोरी हो गया। बकवास करी जा रहा, पुलिस आ गई, हम लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस आ तो नहीं कहीं रहे हमारे घर। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर तो आप तभी आ गए थे जब गली के उस पार खड़े थे। हमारे दरवाजे की चिटकनी आपकी नाभी में घुसी हुई थी। साहब जी, क्या बात कर रहे हैं, कानून है, तरह तमीज से बात करो तो? देख नहीं रहे कानून पेट से है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बताओ, भूखे नंगों का घर यही है? साहब जी, आपको बुला रहा है। भूखनगा किसको बोला? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 2 अंडरवेयर पहने हुए मैंने इस टाइम। तो क्या हुआ? पुलिस के डंडे जब लगते हैं ना, तो दर्द उतना ही होता है। ज्यादा अंडरवेयर पहनोगे तो पुलिस ज्यादा जोर से मारती है। मैं मजाक कर रहा था। अरे जस्ट किडिंग, मैंने तो 2007 के बाद कच्चा पहना ही नहीं। दो हजार एक में पहना था, वो लगातार 6 तक चला। बिना धोए पहने रहे, एक टाइम पे इतना अकड़ गया था ना कच्चा, उतर नहीं रहा था। फिर हमने 2 दिन पानी में भिगोया, नरम हुआ, फिर उतारा। मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। जिस घर में एक कच्चा 6-6 साल पहनते हैं लोग, उस घर से क्या चोरी हो सकता है? एक्सक्यूज मी, आप तमीज से बात करें। एक तो आप बिना डोर बेल बजाए अंदर आ गए, ऊपर से आप ऐसे बात कर रहे हैं। अरे बाहर डोर बेल नहीं है तो बजाए क्या? क्या बोला? क्या हुआ कुछ? बाहर डोर बेल नहीं है। नहीं है सर जी, बाहर डोर बेल नहीं है, हमारी डोर बेल चोरी हो गई। हमारी की डोर बेल उतार कर लेके, मैंने आपको बोला था बाहर मत लगवाओ, बेडरूम में लगवाओ। बेडरूम में कोई डोर बेल लगाता है? आप इसको छोड़ो, आप हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई है, आप रिपोर्ट लिखे।
इन्हें ऐसे रिपोर्ट नहीं लिख सकता, बड़े साहब आने के बाद ही रिपोर्ट लिख सकता हूँ मैं। बड़ा साहब? बड़े साहब बड़े शक किस्म के आदमी है। आतुल्ला खलखली, बड़े साहब आ रहे, तैयार रहो। टिफिन आ गया पहले। नहीं 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 सब्जी टिफिन नहीं है, ये पुलिस वालों ने पहले अपना सैंपल भेजा है। सैंपल नहीं है, ये हमारे बड़े साहब है। ये बड़े साहब है? ये बड़े साहब है तो 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे का टैडी बेयर इनसे बड़ा होता है। जुबान संभाल के बात कर मेरे से। वाह क्या मुझे है साहब की, ये मुंह पे से मूछें निकली या मूछों में से मुंह निकला है? ए, तुम्हें पता नहीं एक थानेदार से कैसे बात करते हैं? अरे आप खुद ही तो बोलते हो कि बाल मजदूरी कराना गलत बात होती है, और ये बाल हवालदारी करवा रहे हो, ये ठीक है? अरे बाल हवालदारी कहाँ से बाल हवालदारी करवाएंगे, बाल बच्चे हैं इनके। ओ कानून से पंगा ले रहा तू, कानून से पंगा। तेरे को पता नहीं मैं कानून हूँ, और मेरे से छेड़छाड़ की तो कानून तेरे को अंदर कर देगा। मैंने अंधा कानून तो देखा है, लेकिन आधा कानून आज पहली बार देखा है। सिद्धू भाजी पता ही है इतना छोटा क्यों रह गया? क्यों? इसका पिता जो था इसको मेले में लेकर गया था। उसने इसको कहा इधर ही रहना, मैं अभी आता हूँ। वो आया नहीं, ये इधर ही रह गया। हेलो तुम हद से ज्यादा, और आपको जितना बढ़ना चाहिए आप उतना भी नहीं बढ़ रहे। मैं सब पत्नी की नजर करो तो पता नहीं, मेरे को देख के सारे मुजरिम थर थर कांपते हैं। अब तक मैंने 50 इनकाउंटर कर दिए। 50 इनकाउंटर? ये ले, एक मैंने कर दिया। ऐसे 150 इनकाउंटर करता हूँ मैं रोज। यार मेरी बात सुनो, ये हमारी बेइज्जती बहुत कर रहे हैं। हमने नहीं लिखा। नहीं चलो चलो सर जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ये ऐसे बकवास कर रहे हैं। देखिए हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हुई, आप प्लीज रिपोर्ट लिखें, चोर हमारा सब कुछ लूट के ले गए। ठीक है हाँ। अब आ गए ना लाइन पे। हाँ। बताओ क्या क्या चोरी हुआ है? बहुत कुछ चोरी हुआ जी, हमारा चोर हमारी सपातियां ले गए, हमारे आलू ले गए, हमारे बैंगन ले गए, बड़े बड़े आलू ले गए, बड़े बड़े बैंगन ले गए, बड़ी बड़ी सपातियां ले गए। बड़े बड़े आलू साहब, ये क्या बकवास कर रहा है? आलू भी कभी बड़े होते? यार मेरे को क्या पता, मेरे को तो मटर का दाना भी तरबूज लगता है। और वैसे बता आलू कब चोरी होते हैं? आलू हुए सच्ची हुए हैं, बड़े आलू चोरी हुए हमारे। सब आप रिपोर्ट लिखिए ना, हमारे बड़ा कुछ चोरी हुआ है, हमारे 40 लाख की घड़ी चोरी हुई है। 40 लाख की घड़ी? हाँ जी। ऐसा क्या था घड़ी में? बस ये टाइम, बहुत कीमती घड़ी थी जी, और टाइम के साथ साथ सलाह भी देती थी। हाँ, और तो हमारे अरबी घोड़े चोरी हो गए। अरबी घोड़े कहाँ से ऊंट पे आ गए थे? अरबी घोड़े वो दुबई से आए थे। अच्छा? वो अरबी खाते थे, उनको हिंदी भाषा समझ नहीं आती थी। अरबी खाते थे, किलो किलो तो अरबी खा जाते थे वो। मैंने खुद उनसे बात की, वो अरबी में बात करते थे। हाँ। मैंने घोड़े से पूछा, मैंने कहा घोड़े साहब कहाँ से आए हो? कहता अंत आया बोले आम तेरा नमस्ते कल दुबई है। एक बात बताओ, तूने अरबी कहाँ से सीखी? घोड़े नहीं सिखाई ना, इसने घोड़े को दौड़ना सिखाया, उसने इसको अरबी सिखा दी। अब लिखिए ना साहब, मेरा एक 5 लाख का वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता चोरी है। 5 लाख का कुत्ता? हाँ अकाउंटेंट था ना वो, अकाउंटेंट अकाउंटेंट था। हाँ, एक बार सारा हिसाब का वही रहता था, जब कोई पैसे मांगने आता था तो वही हैंडल करता था, बाहर तक छोड़ के आता था। मुझे याद है, मुझे याद है। अच्छा कुत्ता लिख लो, भी कुत्ता लिख लो। लिख लिया लिख लिया। और क्या चोरी हुआ बताओ? और मेरे, मैं राइटर हूँ। अच्छा? मेरी 5 करोड़ की कहानी ले गए। 5 करोड़ की कहानी? हाँ। कौन सी कहानी?
दिल वाले गजनिया ले जाएंगे। ये कैसा टाइटल हुआ, दिल वाले गजनिया ले जाएंगे? हाँ वो दुल्हनिया नहीं सुझा तुम? नहीं, हमारी दुल्हनिया गंजी थी ना, तो गजनिया ले जाएंगे। हाँ। उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ पुनीत जी। तो एक राज नाम का लड़का यूरोप में जाता है। हाँ। उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वहां पे प्यार होता है, लड़की वापस इंडिया आती है, उसका बाप उसकी जबरदस्ती शादी कर देता है। लड़का इस सदमे में अपनी यादाश खो जाता है और हाथ धो के गजनी के पीछे पड़ जाता है, फिर भूत निकल आता है। भाई हमारे चेहरे पे लिखा है कि हम लोग पागल है, सल्फेट है, सल्फेट है। साहब मुझे लगता है हम लोग गलत घर पे आए। हमको हमको बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मोहल्ले में चोरी हुई ना, तो सबका सामान लिख रहे हैं। जिस चीज का चोरी हुआ है वो ढूंढ के देंगे, तो सामान लिखवा दो अपना अपना, मिल जाएगा। हाँ, ढूंढ के देंगे। मुन्ना हवलदार लिख। हाँ, लिख 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 लिख। हाय मैं क्या बताऊं सिद्धू जी, चोर तो हमारे कबूड़ भी ले गए। कबूड़। हाँ, मैं चिल्लाई गिड़गिड़ाई, अरे मत ले जाओ, अभी हम खाक कर बैठे। ले जाओ। एक नहीं सुनी। कहते हैं तुम्हारा कबूड इतना साफ है कि देखकर ऐसे लगता है 5-6 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरा कबूड वापस लाओ। अच्छा, इसका मतलब गरीब हो, ऐसे ही बातें बना रहे हो। चलो यार चलो। एक्सक्यूज मी सर जी, ऐसा मैं गरीब ना कहे, आपको पता नहीं हम कितने अमीर हैं। हमारे दादाजी, हाँ, पता आपको कितने अमीर थे? कितने? बीकानेर रियासत के मालिक थे। अच्छा, अच्छा? हाँ, उन दिनों में उनके पास 1,000 रुपया हुआ करता था। किन दिनों में? 1 साल पहले। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। जब चाहते थे हम पनीर खा लेते थे। 5-6 महीने में एक बार तो आम तो मंगता ही मंगता था। बहुत अमीर थे, बहुत अमीर थे। समझ गए भाई, जल्दी से लिस्ट बताओ, अभी साहब के डायपर चेंज करने का वक्त हो गया है। मैं कर देता हूँ। आ जा साहब जी, लोग कानून हाथ में लेते हैं, मैंने गोद में ले लिया। नीचे उतर। बात कर रहा है। अच्छा तुम बताओ कि जब चोरी हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? मैं नीचे देख रहा था। नीचे क्यों देख रहे थे? अब आपको कोई ऐसे करे तो आप कहाँ देखेंगे? वो तो ठीक है, पर मुंह से क्यों नहीं बोले? अब आपको ऐसे करके ऊपर से ऐसे कर दे तो आप बोलेंगे मुंह से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे इसको तो ऐसे पकड़ा था, मुझे तो मुर्गी बना दिया था। सच्ची कह रही हूँ। ना, प्याज काट रहा था। हा? अरे इनको मुर्गी बना दिया था, ये अंडा देने वाले के को, 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 और तुम प्याज काट रहे थे। अगर वो अंडा दे देती तो मैं प्याज ना काटता, आमलेट कौन बनाता? प्याज काटना शुरू कर दिया, शोर नहीं मचा सकता था? कैसे शोर मचा देते हम लोग? शोर मचाते 4 लोग और आते तो 1 अंडे के आमलेट में हमें क्या बचता? हमने शोर मचाया था, हमारी बुआ ने, बुआ ने शोर मचाया, उसके मुंह में लाठी देके ना ऊपर टांग उसका पंखा बना दिया उन्होंने। अच्छा? हाँ। तो जब बुआ का पंखा बना दिया तो तुमने क्या किया? मैंने किया ना, बहुत गर्मी लग रही थी तो बुआ को 5 नंबर पे कर दिया। अरे बुआ को 5 नंबर पे कर दिया। चोरों के साथ 2-2 हाथ नहीं कर सकते हम लोग। कैसे करते 2-2 हाथ? पता कितने खतरनाक गुंडे थे, एक के हाथ में तोप थी, एक के हाथ में टैंक। तोप और टैंक? वो एक बात बताओ, तुम पर चोरों ने हमला किया कि मुगलों ने हमला किया? नहीं नहीं, सॉरी, याद है, टैंक नहीं, मुक्का था, मुक्का। अच्छा, मुक्के और टैंक में कोई फर्क नहीं होता? कोई फर्क नहीं होता, मुक्का एक जगह पे लग जाए ना
तो गोले से ज्यादा असर करता है। चलो छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ कि कोई अनुमान है कि टोटल कितने लोग थे? चार। ये चार बोला, ये पांच बोला, ये क्या है, ये क्या है? टोटल नौ थे, हमने आधे आधे याद रखे। चार में से पांच। अच्छा ये बताइए उनका हुलिया कैसा था, दिखने में कैसे थे वो? दिखने में चोर थे। ओ, तो हमको भी मालूम है चोर थे। कहीं कहीं इसने तो चोरी नहीं की? देखिए देखिए इसने इसने नहीं नहीं हमारे घर में तो नहीं की, लेकिन जैसे इसका मुंह ना इसने किसी ना किसी घर में की होगी। बिट्टू आज फिर जुए में मैं 500 रुपए हार गई। मोहल्ले में चोरी हुई ना, तो सारा सामान लिखवा रहे हैं पुलिस वालों को, तो वो ढूंढ के देगी पुलिस ही। तुम भी लिखवा दो जो जो तुम्हारा चोरी हुआ है। ठीक है। वो ना मेरे हस्बैंड चोरी हो गए। हस्बैंड चोरी हो गए? दिखने में कैसे थे? दिखने में दो थे। दो हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आपको तो पता ही है ना कि पुलिस आधा ही माल वापस करती है, दो लिखाऊंगी तो क्या पता एक वापस ले ही आए। इधर आ किट्टी, इधर आ। तेरा भी जो जो चोरी हुआ है ना लिखा दे, बाद में आधा मुझे वापस कर देना। लिखा लिखा। वो मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम चोरी हो गया है। हाँ, तो ये एक मिनट एक मिनट, तो ये क्या पहना है? आप रिपोर्ट लिखा रही, वो एंजॉय कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इसका ना मंगल सूत्र चोरी हो गया, आपको तो पता ही है ना शादी के बाद पहनते हैं। अरे इनको क्यों बता रही है आप, इनकी तो शादी नहीं हुई है अब तक। हाय कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे की भी कभी शादी होती है? हाय ओए, कोई बीच में नहीं आएगा। ओए बिट्टू, मुझे ये बच्चा नहीं लग रहा। छोड़ दे, बच्चा नहीं है ये, उतार इसको। छोड़ क्या कर रही है? चल 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 बे, बड़ा बुआ का बच्चा लग रहा है। हिलना नहीं, जल्दी यहां से हिलना नहीं। क्या कर रही है? अरे बच्चे की जान लोगे क्या? आइए आप आइए मम्मी जी। हाँ? ये लड़का मुझे पसंद है, इससे मेरी शादी करा दो। अरे बेटी, इसका साइज तो देख। तो क्या हुआ, आपने वो नहीं सुना? ना उम्र की सीमा हो ना साइज का हो बंधन। ना जन्म का हो बंधन। जन्म तो धीरे धीरे ले ही रहा है ना, वो बरसात में पूरा हो जाएगा। ए, क्या बोल रही हो? मैंने नहीं तेरे से शादी करनी। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। देखिए हम हनीमून मनाएंगे, उसके बाद मैं आपको स्कूल पे जा करूंगी। टिफिन में ना ऊपर आलू के परांठे, नीचे हलवा, उसके नीचे दूध की बोतल भी डालूंगी।